में चर्चा रखी अपना घर में। तो आप सभी को मेरे घर में चर्चा में स्वागत है। और मैं एक चर्चा बोलने जा रही हूँ। दो भाई थे, तो दोनों भाई मिल के जो है सो छोटा भाई बहुत गरीब था, बड़ा भाई थोड़ा बहुत पैसा वाला था। तो छोटा भाई जो काम करता बड़ा भाई के उसमें खेत में, तो काम करता तो दूसरा जो काम करने के लिए आ रहा है तो उसको अपना जो भी है पैसा हो और वो दे रहा है। लेकिन वो छोटा भाई जो काम कर रहा है बोला अपना ही तो है, नहीं देंगे तो चलेगा। तो वो बेचारा का संसार नहीं चला। अपना लोग में ऐसे ही होता है, दूसरा में हम काम में जाएंगे तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन अपना में थोड़ा खर्च दोगी तो बोलेगा कि दूर निजे लोग तो आछे ना दिले हो ना दिले ना। तो वही लोग उस तरह से उसका बेचारा का घर नहीं चल रहा है, संसार नहीं चल रहा है। तो गुरु पर मैं बहुत मतलब दुखी हो गया कि गुरु मेरे जीवन में थोड़ा भी सुख नहीं है। मैं लोगों को वहाँ काम करता हूँ तो मेरे को पैसा नहीं हो रहा। अपना भाई में मैं काम किया, मेरा भाई बोल रहा है अपना है, वैसे नहीं हुआ तो मेरा जीवन में कितना दुख है। आज मैं तेरे को ढूंढ के रहूंगा और अपना पूरा दुख सुनाऊंगा और बोलूंगा कि क्या मुझ में गलती है और क्यों नहीं मेरे को मतलब सुख हो रहा है। तो ऐसा सोच करके बीवी को बोला देख मैं जा रहा हूँ भगवान को ढूंढने, गुरु को ढूंढने। तो उसकी बीवी बोली गुरु कहाँ मिलता है भाई, गुरु थोड़ी ना मिलता है, गुरु तो मतलब महसूस करने की बात है। जो मतलब इंसान अगर कुछ सोचता है, गुरु अगर अच्छा कर देता है तो लोग बोलता है गुरु है भगवान है ना। गुरु तो का मतलब भगवान का मतलब फीलिंग्स का मतलब जो समझ में आया तो समझो भगवान है, नहीं तो लोग बोलते हैं भगवान को तो आंख से कभी देख नहीं सकेंगे। तो उसने ऐसा करके चल दिया। जब चल दिया ना तो जा रहा है तो रास्ते में उसको इसको बड़बड़ 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 करके अपना जा रहा है। तो रास्ते में ना उसको एक पेड़ मिला जो सूखा पेड़ था। तो उसका वो इतना सच्चा आदमी मतलब वो जो व्यक्ति था इतना सच्चा, तो उसको जो पेड़ देखा ना तो उसका भाषा समझ रहा है कि भगवान के पास जा रहा है। बोले भाई तू कहाँ जा रहा है, तो बोला कि हम जा रहे हैं भगवान के पास। तो बोले भगवान के पास जा रहा है ना, तो भगवान अगर तेरे को मिले तो गुरु जी से कहना कि मेरे जीवन में क्या तकलीफ है कि मैं नहीं तो हरा भरा हो रहा हूँ, नहीं तो किसी को मैं कौआ पक्षी चिड़िया कोई मेरे पेड़ पे आके बैठे, मैं किसी को कुछ सुख नहीं दे पा रहा हूँ, और नहीं तो कोई जला रहा है मेरे को, मतलब मेरे जीवन में कितना दुख है। बोला ठीक है मैं बोलूंगा अगर भगवान मिलेगा। फिर वहां से गया, फिर जा रहा है ना देखो छोटा सा नदी था उसको पार करना था नदी। तो वो नदी में देखा कि एक लहास बहुत दिन से नदी में पड़ा हुआ है गला उला। तो बोल रहा है कि नदी में कैसे पार करूं, तो वो लहास बोल रहा है कि मैं तेरे को पार करवा देता हूँ। तो डर गया वो कि भाई ये नदी में तो ये तो मरा हुआ आदमी है। तो बोले देख तू तो मरा हुआ है। तो बोला कि हाँ देख ना मैं बहुत साल हो गया मैं मर गया हूँ, पर मेरा शरीर उद्धार नहीं हो रहा है, नहीं तो मछली खा रहा है नहीं तो कौआ चील खा रहा है मेरे को, मेरा शरीर उद्धार नहीं हो रहा है। तो तू तो जा रहा है गुरु जी के पास तो मैं तेरे को पार करा देता हूँ, उसके बदले में तू गुरु जी से कहना कि मेरा शरीर क्यों नहीं उद्धार हो रहा है। तो उसने कहा ठीक है भाई मैं भूल क्या हूँ। उसने उसको लेके गया, वहां से गया पार कर दिया। फिर गया तो देखा कि एक मैंने जहाँ पे मंदिर बालू है बहुत सारा, उस बालू पे एक अजगर सांप है, मतलब सांप है। तो सांप है ना, तो सांप तो नहीं तो घसक पा रहा है, नहीं तो इधर उधर कुछ नहीं हो पा रहा है। तो वो बोला कि वो जा रहा है बड़बड़ करते। तो बोला भाई भाई सुन ना थोड़ा, इधर देखा उधर देखा भाई कुछ नहीं है। फिर बोला भाई मैं नीचे में देख ना बालू में मैं हूँ, बालू में देख रहा है। तो देखा अजगर सांप ताप में एकदम धूप में है। बोला देखना मैं ना इतना मोटा हूँ और मैं चल नहीं पा रहा हूँ कुछ भी नहीं, तो मेरे को यहाँ से उधार नहीं पड़ रहा। गुरु अगर मिले तेरे को तो गुरु को थोड़ा मेरे लिए बोलना कि क्या तकलीफ है, क्या मैंने कर्म ऐसा किया जो मेरे के मेरे जीवन में ऐसा तकलीफ है। बोला ठीक है। तो गुरु ने सोचा कि ये तो जा ही रहा है ढूंढ ही रहा है, इसको भगवान मिलेगा तो मिलेगा कैसे, मैं तो जब तक नहीं मिलूंगा तो कैसे ये मिलेगा। फिर गुरु ने क्या किया, एक मतलब साधु का रूप लेके मंदिर के चौखट पर बैठ गया मंदिर के चौखट पर। अब ये जा रहा है तो सोचा थोड़ा यहाँ सुस्ता लू, तो वहां भी वो बड़बड़ कर रहा है। तो पूछ रहे हैं गुरु जी जो थे, पूछ रहे कि क्या हुआ तू कहाँ जा रहा है। बोला आज मैं जा रहा हूँ भगवान को ढूंढने, मेरे गुरु को। हम लोग इतना सेवा देते, इतना चर्चा करते, इतना पूजा में जाते हैं, पर मैं इतना काम करता हूँ, पर बोलता है ना कि एक आना से दो आना नहीं होता है, चार गांव मांगो तो भी एक ही आना, एक गांव मांगो तो एक ही आना, क्यों मैं तो परिश्रम खुद कर रहा हूँ फिर पैसा क्यों नहीं आ रहा है मेरे को, तो मैं भगवान से मेरे को पूछना है। तो बोला ठीक है तू मेरे को सब बात बता दे, मैं तेरा गुरु को पहचानता हूँ, मैं तेरा सारा समस्या का हल कर दूंगा। तो कहा कि हाँ मेरे गुरु को तुम जानते हो, तो हाँ मैं जानता हूँ।
तो ठीक है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ना, मैं काम करता हूँ, ये करता हूँ, मेरा कोई अच्छा ही नहीं हो रहा, मेरा बच्चा लोग नहीं अच्छा खा पा रहा है, बहुत तकलीफ कर रहा है, लोग मेरे को ताने मारते हैं। मैं भाई में काम करता हूँ, भाई मेरे को खाने के लिए भी नहीं देते पैसा, तो दूर के बाद भी बोलती है कि कैसे संसार। इसीलिए मैं बहुत दुखी होकर मैं भगवान के पास जा रहा था, तो मेरे भगवान से मेरे ये बोलना कि मैं दो वक्त का रोटी खाऊं, अब कोई मेरे दरवाजे पे आए तो कोई खाली हाथ ना जाए, उसको भी मैं क्या खिला सकूं। इस तरह का दया याचना करे महादेव और मैं महादेव का काम करूं। तो कहा कि ठीक है हम बोल देंगे। फिर थोड़ा फिर जाने लगा तो गुरु तो जानते हैं कि इसको पूरा लिस्ट दिया है रास्ता में सब, तो जा रहे थे। गुरु का आप तो कोई काम नहीं है ना, तेरे को सब हो गया ना? बोला हाँ हाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, अरे नहीं 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 गुरु जी रुकिए रुकिए रुकिए, मैं कह रहा हूँ ना जिस रास्ते से मैं आ रहा था उस रास्ते में ना एक मतलब जाने के समय को बोला कि मैं जब आया हूँ ना तो मंदिर के पास में एक सांप है, तो सांप है ना, नहीं तो हिल रहा है, नहीं कुछ नहीं, वो धूप में जल रहा है। तो उसको गुरु जी कहा कि देख वो जो सांप है ना उसको बहुत सारा हीरा मनी है उसमें, अगर उसका कोई निकाल ले तो वो जो है सो मतलब क्लियर हो जाएगा, तो चलने लगे। फिर चल रहा है, फिर चल रहा है, फिर थोड़ा दूर गया। फिर गुरु जी आप तो कोई बात नहीं ना, मैं चला जाऊं मैं बोलने के लिए तेरे गुरु को? नहीं नहीं कोई बात नहीं। फिर याद आया कि बाप रे बाप, वहां जो मेरे को बोला था अपने बारे में, तो बोला कि हाँ हाँ रुकिए रुकिए ब्राह्मण जी रुकिए, एक ना नदी है, उस नदी में एक लहास कितना दिन से मरा पड़ा है, बोल रहा है कि सालों भर से है, नहीं तो उसका शरीर का त्याग नहीं हो रहा है, तो उसका शरीर का त्याग कैसे होगा? तो बोला कि बोला उसका शरीर का त्याग कैसे होगा? तो बोला उसका शरीर का त्याग इस तरह से होगा कि वो ना बहुत प्रचंड ज्ञानी था, तो जिसके पास ज्ञान हो बुद्धि हो तो ज्ञान बुद्धि देना चाहिए, कोई गलत कर रहा है तो उसको सही रास्ता पे लाना चाहिए, जो नहीं कुछ मतलब अपना ज्ञान से कुछ हेल्प लोगों को कर देना चाहिए। तो उसने ऐसा नहीं किया, बहुत घमंड में था, कोई चीजें लिखने भी जाए तो उसको नहीं लिख के देता, तो इसीलिए वो मरा पड़ा है, नाकाम मृत्यु हुआ है, पड़ा हुआ है। तो बोला उसका शरीर कैसे उद्धार होगा? बोला अगर वो मतलब ज्ञान के बाद अगर किसी को बता देता तो उद्धार हो जाता, अब क्या होगा जब उसका शरीर जा रहा है? तो फिर वहां से चला गया। फिर बोला गुरु जी अच्छा तो मैं अब चलूं? तो वो फिर याद आया कि नहीं नहीं गुरु जी रुकिए, एक पेड़ है, वो पेड़ सूखा पड़ा हुआ है, नहीं तो उसमें पत्ते हो रहे हैं, नहीं तो पाक पके कोई चिड़िया उसमें लग रहा है, तो बहुत दुखी है कि राही बटोरी कोई भी जा रहा है, नहीं तो मेरे पेड़ के पास बैठ रहा है, मैं किसी पक्षी को छा दे रहा हूँ, कोई घोंसला बना रहा है, तो क्यों नहीं तो कोई जला रहा है, तो इसीलिए मैं भी दुखी, पेड़ दुखी है। तो कहा कि वो पेड़ जो है ना वो बहुत हीरा मनी खनिज पदार्थ से वो मतलब परिपूर्ण है, अंदर में तो पानी को नहीं टच कर पा रहा है, मतलब उसका जो पत्थर पे अगर शिखर रहे तो पानी नहीं पा रहा है, तो सोना चांदी जो नीचे में उसके ऊपर में उसका शिखर है तो पानी नहीं पा रहा है, उसको अगर कोई निकाल ले तो ये हरा भरा हो जाएगा। तो बोला बस गुरु जी और कोई बात नहीं है, इतना ही आप कर दीजिएगा। फिर आया तो सांप ने पूछा कि भाई मेरे बारे में पूछा? तो बोला हाँ भाई मैं पूछा तेरे बारे में, तेरे अंदर में ना बहुत सारा हीरा मनी है, उसको कोई निकाल लेना तो तू हल्का हो जाएगा। तो बोला देखना भाई तेरा अलावा तो मेरा बात कोई नहीं समझा, तू सच्चा इंसान, तू सच्चा व्यक्ति, तो ऐसा कर तू ही निकाल ले। उसने क्या किया अपना लुंगी ऐसे करके करके लुंगी में सब निकाल लिया। फिर वहां से अपना गया तो लहास जो डूबा हुआ बोल रहा है कि मेरे बारे में पूछ के आया तू? बोला हाँ पूछ के आया लेकिन तेरे को बताएंगे नहीं, पहले पार कर दे मेरे को। तब बोले ठीक है। अब उसको उस पर बैठा वो पार कर दिया। बोला देख भाई तू ना इतना पढ़ा लिखा आदमी था लेकिन तो अपना जीवन में कुछ अच्छा कर्म नहीं किया रे, इसीलिए तेरा तो अकाल मृत्यु हुआ और तू मतलब पानी में पड़ा हुआ। तो बोला कि सुन भाई मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, जो तेरे लुंगी में जो हीरा है ना बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है, इसको तू लॉकर में रखना, इसको थोड़ा थोड़ा खर्चा करना, बेटा बेटी का शादी करना, ये और मतलब मेरे नाम से चर्चा करा लेना। हाँ तो ज्ञान दे दिया तो उसको पता नहीं कि हीरा मनी से क्या होगा, तो उसने ज्ञान दिया कि इसी से तेरा सब कुछ सब पूरा दुख जितना है सब गायब हो जाएगा, लोगों को भी तू भला कर सकता है, मेरे लिए चर्चा करना था कि सही। तो वहां से चला गया तो पेड़ के पास आया, पेड़ बोला भाई मेरे बारे में तू कुछ नहीं पूछ के आया? बोला हाँ पूछ के आया हूँ ना आपके बारे में भी। तो
बोला कि क्या बोला गुरुजी ने तेरा, मेरा गुरुजी बोले हैं कि आपके नीचे में ना बहुत सारा सोना का कॉइन, चांदी का कॉइन ये सब है, तो तुम्हारा जो सीर है ना शिखर, वो मतलब पानी नहीं छू पा रहा है, मिट्टी नहीं छू पा रहा है, इसीलिए तुम हरा भरा नहीं हो पा रहे हो, वो अगर कोई निकाल लेना तो तुम हरा भरा हो जाओगे। तो फिर बोला कि देख बाबू, मेरा बात तो संसार में कोई नहीं सुना, तू सच्चा इंसान है, जो मतलब तू मेरा बात को समझा और सुना, तो तू ऐसा कर, तू ही ना खोद में इसको। फिर बोला कि ठीक है, अब खोदने के लिए तो सामान चाहिए, तो अपना गया घर जाकर के फिर सामान वामान ला के फावड़ा वावड़ा उसको खोद के अपना हीरा मनी जो भी निकाला, फिर पानी को टच किया, मिट्टी को टच किया, वो हरा भरा हो गया। तो अपना साथ साथ उसने सबका उद्धार किया, इसीलिए भगवान उसका भी मतलब भर दिया। तो जो सच्चा व्यक्ति होता है, जो सच्चे राह पे चलता है, जो सत्कर्म करता है, तो वो पानी में डूब रहा होगा एकदम, नाक से ऊपर पानी उसका आ जाएगा, लेकिन निश्वास लेने के लिए भगवान उसको ठीक थोड़ा ना थोड़ा ऊपर लाता रहता है और उसको बचा के रखता है। तो चाहे कितना तकलीफ आए, कुछ भी आए, गुरु को कभी पूछना नहीं चाहिए कि गुरु ने हमें कुछ नहीं दिया, गुरु ने हमें, अरे आज गुरु का कृपा है तो हमारा हाथ पांव अच्छा है, आज गुरु का कृपा है तो हम दो पांव चल रहे हैं, गुरु का कृपा है हमारा हस्बैंड काम में जा रहा है, मेरे बच्चे पढ़ाई किए हैं अच्छा, सब उन्हीं का कृपा है ना, अगर उनका कृपा नहीं हो तो दो रोटी बना हुआ घर में रहेगा तो मुंह में नहीं खा सकते हैं, हाथ पांव नहीं चलेगा, चावल दाल घर में रखा है हाथ पांव नहीं चल रहा, बना नहीं पाएंगे। तो गुरु का कृपा हर समय प्रतिपल होता है, हम लोग गुरु को मोजर नहीं दे रहे हैं कि नहीं तूने कुछ किया ही नहीं, तूने कुछ किया नहीं, अरे आज हमारा पति काम से सही सलामत घर आता है तो उन्हीं का तो कृपा है, हमारा बच्चा काम में जाता है तो उन्हीं का कृपा है। फिर हम लोग तो मृत भूमि में है तो हम लोग के साथ थोड़ा बहुत दुख नहीं आएगा, तब तो हम लोग स्वर्ग का मालिक हो जाएंगे, मम्मी स्वर्ग से घूम के चली आई इस तरह हो जाएंगे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, ये मृत भूमि है, यहाँ आदमी कईयन हजार आदमी मरा उसके ऊपर में हम खड़े हैं, तो फिर हम कैसे, यहाँ पर बड़े बड़े आए ना वो भी दुख काटा, भगवान आए राम जी उन्होंने भी दुख काटा, भोले बाबा देखो तीन लोग का मालिक रहते हुए भी उसने भी कष्ट काटा, कौन कौन यहाँ पर है, कन्हैया जी हर रूप में आए कष्ट काटे, जब भगवान सृष्टि में मृत लोक में आए कष्ट काट के गए, तो फिर हम लोग तो उनका बनाया हुआ पुतला है, तो हम लोग को तो कष्ट होगा ही, और फिर भी भगवान ने हमें दो हाथ दिया, जब कितना समझ नहीं दिया है, दो हाथ दो आंख दो पाँव, तो हम लोग को जब पूरा सृष्टि चला रहे हैं, पूरा सृष्टि चला रहे हैं, जबकि अपना घर भी नहीं चल रहा है हम लोग को ठीक से, फिर भी बोलते हैं सृष्टि चला, तो वो तो त्रिलोकी हो तो सब जानते हैं, वो तो सब कुछ कर सकते हैं पल में, बस भरोसा रहना चाहिए। कभी भी हम लोग बोल देते हैं ना गुरु को कि हमारा इतना जीवन में, तो हमको एक गुरु भाई बोला था कि कभी भी दीदी जीवन में कष्ट आए ना तो ये मत बोलिएगा गुरु को, हम गुरु को नहीं करेंगे, गुरु कहाँ दया करते हैं, बोले कि जिस दिन आप बोल देंगे ना उसी दिन से आपका उल्टा गिनती शुरू हो जाए, जितना किया धरा है सब पे पानी फिर जाएगा, हम किसी को खिला दिए बैठा के और हम बोल दिए कि हम तो आपको खिला दिए, आप मेरे घर में आई हूँ खा के जा रही, तो हमारा तो किया धरा पे पानी फिर गया। तो गुरु का भी ऐसा ही है, गुरु का हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, गुरु का चर्चा में ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन साहब भैया हमारा ये भी कहा है कि भाई जिसको हम प्यार करते हैं उसी से हम झगड़ा कर सकते हैं, तो गुरु को हम प्यार करते हैं, वो हमारा माता है हमारा पिता है, हम उनसे नहीं झगड़ा करेंगे तो किससे झगड़ा करेंगे, हम वो हमारा इष्ट देवता है तो उनसे हम झगड़ा नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, तो वो जाता है, ऐसे ही हम लोग करते हैं, ऐसे सब भाई बहन हम लोग मिल के रहे।